से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। आई कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोटी ना मिले, बदन में कपड़े ना हो, सर पर छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं। और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम। अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है फैसला कर ले।